आज मैं आपको व्रत वाले कटलेट और उसके साथ मूंगफली की चटनी बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम कटलेट और चटनी बनाना। कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए समक के चावल, सिंगाड़ी का आटा, आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक, काली मिर्च, पानी और 2 चम्मच घी। पहले मैंने यहाँ पे इस कटोरी के नाप से 3/4 कटोरी समक के चावल लिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो हम सबसे पहले के लिए मैं पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें ये धुले हुए समक के चावल हम डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और पका लेंगे। धुले हुए समक के चावल को अपना हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें पानी, लगभग मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया है। और इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया। हम इसे ढककर गैस की आंच को हम मीडियम लो कर देंगे और इसे ढककर पका लेंगे। अब जब तक हमारे समक के चावल बन रहे हैं, हम इस कटलेट को बनाने के लिए अपनी और आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे मैं कद्दूकस कर लूंगी या आप अच्छे से मैशर से मैश कर लें। मैंने आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लिया है और यहाँ पर अब मैं इसमें अपनी जो 2 हरी मिर्च मैंने ली थी वो बारीक काट के इसमें मिक्स कर लूंगी। और जो सिंघाड़ी का आटा लिया था, 2 चम्मच मैंने सिंघाड़ी का आटा लिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, क्योंकि हमारे चावल में भी सॉल्ट है इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। ये व्रत का बना रहे हैं इसलिए हम जो है इसमें ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी का करेंगे। अब इसे हम मिक्स करके एक साइड रख देते हैं। जब तक हमारे चावल बन के तैयार होंगे, हम जब तक अपनी मूंगफली की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। मार दे पहले वाले को। जब तक हमारे चावल बन रहे हैं तब तक हम मूंगफली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, मूंगफली, काली मिर्च, सेंधा नमक, दही और नारियल, सूखा नारियल। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, इसमें मैं अपना मूंगफली और हरी मिर्च डाल के भून लूंगी अच्छे से। यहाँ आप चाहें तो तेल ना डालें, फिर सूखा ही भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा तेल डाल के करूंगी। देखिए गाइस, यहाँ मेरी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक मिला दूंगी। सेंधा नमक और काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक लिया है। अब मैं इसी में अपना जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था वो भी मिक्स कर दूंगी, जिससे थोड़ा सा हमारा इसके साथ रोस्ट हो जाए। ये देखिए, अभी जब तक हमारी चटनी ठंडी होती है हम जब तक अपने चावल को भी देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसे मैं एक अलग बाउल में इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, हमारी मूंगफली और वो ठंडा हो गया। अब मैं इसमें लगभग 3/4 कप कटोरी जो है दही मिला रही हूँ।
और हम इसे अब मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए ये गाढ़ी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए हमारी मूंगफली की चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए गाइस, आप जितना इसको पतला करना चाहें या इतना ही रहना देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जैसा चाहें वैसा इसे खा सकते हैं। अब इसे हम खला लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए चटनी तैयार हो गई। अब हम जो है अपने कटलेट की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने चावल को ठंडा कर लिया है, आलू और वो जो मैश करके हमने रखे थे उसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक अच्छा डो बना लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया। इसमें मैं एक चम्मच के करीब तेल डालूंगी और इसे थोड़ा सा चिकना कर लूंगी। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया। अब हम यहाँ मैं अपना तेल गरम करने रख दे रही हूँ और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है मैं यहाँ कटलेट तैयार कर लेती हूँ। हम हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और जितना बड़ा आपको कटलेट बनाना है उतना बड़ा डो लें। ये इस तरीके से देखिए कटलेट हम तैयार कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो हरा धनिया पत्ती भी मिला सकते हैं। देखिए ये हमारा कटलेट बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को हम थोड़ा लो आंच ही रखेंगे। मेरा कटलेट हल्का ब्राउन हो गया। मैं इसे धीरे धीरे पलट दे रही हूँ। यहाँ पे आप अपने कटलेट का जो साइज है अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसे हम मीडियम लो आंच में ही फ्राई करेंगे ताकि हमारा कटलेट जो है क्रिस्पी बने। देखिए इस तरीके से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे कर लेंगे। देखिए अब हमारे बड़े बिल्कुल ब्राउन होकर सिक्के तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा ये कटलेट बनकर तैयार हुआ है। इसे आप जो है पहले भी शैलो फ्राई करके हल्का हल्का फ्राई करके रख दें और जब आपको खाना हो तो इसे दोबारा फ्राई करके और फिर खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाती है और करारी हो जाएंगी। तो आप इसे एक दिन पहले भी बना के रख दें, जब आपके कोई मेहमान या कोई आ जाए तो तुरंत इसे फ्राई करके उन्हें दे सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू।